आज 23 अगस्त है। 23 अगस्त साल के 8वें महीने का 23वां दिन भारत और विश्व इतिहास में अपना एक खास महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गईं। तो आइए नजर डालते हैं 23 अगस्त की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आज ही के दिन 23 अगस्त 1933 को बिना किसी शर्त के जेल से रिहा कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी को शराब और विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का आंदोलन करने पर 4 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें इसके लिए 1 साल की कारावास की सजा सुनाई गई थी। जेल में रहते हुए ही गांधी जी ने 16 अगस्त 1933 को आमरण अनशन शुरू कर दिया था, जिससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था। इसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। दुनिया के सामने पहली बार पृथ्वी की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर आज ही के दिन 23 अगस्त 1966 को सामने आई थी। इसी दिन नासा के यान ने चंद्रमा के ऑर्बिट से ये फोटो ली थी। ये चंद्रमा के ऑर्बिट पर नासा द्वारा भेजा गया पहला चंद्र ऑर्बिटर 1 था। इसके साथ ही ये एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था। बता दें कि इसे तस्वीर खींचने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि इसका मकसद भविष्य के अंतरिक्ष शिल्प के लिए चंद्रमा पर लैंडिंग साइटों को दूर रखना था। भारतीय फिल्मों की मशहूर और दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो का जन्म आज ही के दिन 23 अगस्त 1944 को हुआ था। सायरा बानो ने महज 17 साल की उम्र में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। 1960 और 70 के दशक में सायरा बानो हिंदी फिल्मों की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में से एक थी। सायरा बानो को लोग उनकी अदाकारी से कम और उनकी खूबसूरती के लिए ज्यादा पहचानते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। इसके करीब 8 दिन बाद 23 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान राजनीतिज्ञ अधिवक्ता के साथ साथ महान क्रांतिकारी भी थे। सरदार पटेल ने भारत की आज़ादी से पहले भारत के 565 से ज़्यादा राज्यों को भारतीय संघ में जोड़कर भारत को एक सशक्त देश बनाया था। उनके इस कार्य के लिए उन्हें लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।